हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर सेवन दैट इज़ इंटेग्रल्स तो लास्ट टू वीडियो से हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू तो डू इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो हम कर रहे हैं एन एक्सरसाइज 7.3 और उसके क्वेश्चन 14 तक हमने कम्प्लीट कर लिए हैं आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे एग्जाम्स के लिए सो so वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 15। तो इंटीग्रेशन करनी है हमें टैन क्यूब टू एक्स सी टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अब टैन क्यूब टू एक्स यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है दैट इज़ टैन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सी कैंड स्क्वायेर एक्स माइनस वन बट टैन क्यूब एक्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती तो क्या इस टैन क्यूब एक्स को मैं यहाँ पर टैन स्क्वेयर टू एक्स इंटू टैन टू एक्स लिख सकती हूँ ठीक है स्प्लिट कर दिया मैंने इसको मतलब सेपरेट करके लिख दिया साथ में है हमारे पास सी कैंट टू एक्स डी एक्स अब टैन स्क्वायर टू एक्स अब यहाँ पर x की जगह पर अगर मैं टू एक्स डाल दूँ तो टैन स्क्वायर टू एक्स विल बी इक्वल्स टू सी कैंट स्क्वायेर टू एक्स माइनस वन तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी सी कैंड स्क्वायेयर टू एक्स माइनस वन और साथ में मेरे पास है टैन टू एक्स और सी कैंड टू एक्स सिम्प्लीफाई हो गया अब सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा सब्सिट्यूशन मैथड तो हम यहाँ पर secant टू एक्स को टी पुट कर लेंगे secant कैंड टी टू एक्स को टी पुट करेंगे सो so इसकी डिफ्रेंसीेशन करेंगे बोथ साइड्स पे डी टी बाई डी एक्स आ गया इधर secant कैंड टू एक्स की क्या डिफ्रेंसीेशन आएगी secant x एक्स की क्या डिफ्रेंसीशन होती है secant x एक्स टैन एक्स होती है है ना तो secant x एक्स टैन एक्स यानी कि secant कैंट टू एक्स टैन टू एक्स हो गया यहाँ पर और टू एक्स की क्या हो जाएगी टू हो जाएगी और वो इसके साथ आएगी सो मल्टीप्लाई बाई टू क्लियर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स अब डी एक्स को इधर ले आओ और ये जो पूरी टर्म है वो हम इसके नीचे ले जाते हैं टू सी कैंड टू एक्स टैन टू एक्स ओके यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल आई अब इस इंटीग्रेशन को अंदर हम क्या क्या लिखेंगे सी कैंड स्क्वायर टू एक्स माइनस वन यानी कि टी माना था इसको टी स्क्वायर माइनस वन बन गया साथ में टैन टू एक्स और सी कैंड टू एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा डी एक्स की वैल्यू मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन पुट करूँगी दैट इज़ डी टी अपॉन टू सीकेंट टू एक्स टैन टू एक्स तो सीकेंट टू एक्स सीकेंट टू एक्स कैंसिल टैन टू एक्स टैन टू एक्स कैंसिल ये बचा टू तो टू इज़ ए कॉन्सटेंट सो वन बाई टू बाहर आ गया अंदर मेरे पास सिंपल रह गया टी स्क्र माइनस वन इन डी टी तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर ली वन बाई टू जो है वो दोनों के साथ है सो टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी क्यूब बाय थ्री माइनस वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज़ टी ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप वापस से टी की वैल्यू पुट कर दीजिए सो so टी की वैल्यू हमने सपोज करी थी सी केंट टू एक्स तो सी क्यूब टू एक्स बन जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई थ्री माइनस सी केंट टू एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप चाहे तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं सी क्यूब टू एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस सी टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे इंटीग्रेशन करनी है टैन की पावर 4x एक्स रिस्पेक्ट टू डी अब टैन की पावर 4x की तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते सो so हम इसको टैन स्क्स इन टू टैन स्क्स लिख सकते हैं डी एक्स आ गया साथ में क्योंकि टैन स्कोयर की हमें पता है लग जाती है को सीकेंड स्क्वास माइनस वन में चेंज कर देते हैं वहां पर क्या इशू होगा कि secant की पावर फिर से 4x बन जाएगी वो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास सो so, इसलिए एक को ही सिर्फ कन्वर्ट करना है अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो स्क्वायर x हो गया माइनस टैन स्क्स डी एक्स मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो स्क्वायर स्क्स टैन स्क्स डी माइनस tan square एक्स डी एक्स ठीक है अब दो बन गए हमारे पास तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे और बाद में फाइनल आंसर लिखेंगे सो आई वन बन गया एंड आई टू बन गया सो आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर आई वन सो आई वन क्या है आपका secant square x एक्स टैन x एक्स तो सिंपल आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मैथड लगा सकते हैं सो so, उसमें हम क्या करेंगे हम अपने टैन एक्स को टी पुट करेंगे सो so, tan एक्स को मैंने टी पुट करा सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज एकवल टू डी टी अपॉन डी एक्स तो टैन एक्स की डे uh, डिफ्रेंसीशन क्या होती है सी कैंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स सो डी एक्स विल भी एकवल्स टू डी टी अपॉन सी कैंड स्क्वायेर एक्स ठीक है ये डी एक्स की वैल्यू आ गई सो इंटीग्रेशन आ गई सी कैंड स्क्वायेयर एक्स टेन स्क्वायर एक्स को हमने टी माना था तो टी स्क्र बन गया डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन सी केंड स्क्वायेयर एक्स आ गई ये कैंसिल होगी टर्म सो इंटीग्रेशन आ गई टी स्क्र डी टी तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टी क्यूब बाई क्यू थ्री ठीक है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो यहाँ पर सी वन यूज करेंगे क्योंकि आई वन को सॉल्व कर रहे हैं सो टी की वैल्यू वापस से पुट करेंगे सो दैट इज़ tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये मेरे i1 का आंसर है मतलब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर i2 टू दैट इज टैन स्क्वायर एक्स डी अब टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं होती है सो आई एम गोइंग टू चेंज यूजिंग आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर x एक्स माइनस वन लिख सकती हो इसको अब इसकी जो अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन माइनस वन डी एक्स तो सी स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स वन की होती है हमारे पास एक्स प्लस सी टू ठीक है ये आ गया आपके पास आई टू का आंसर सो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ सो फाइनल आंसर है मेरे पास टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई थ्री बीच में है हमारे माइनस माइनस टैन एक्स तो ये वाला प्लस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज़ द फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन करनी है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की अब यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको हमें दिख रहा है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हम न्यूमिनेटर को मतलब सेपरेट करके लिख सकते हैं दोनों के नीचे लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा और प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो कॉस क्यूब एक्स है ठीक है वो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा सिर्फ़ एक कॉस बचेगा यहाँ पर एक साइन बचेगा तो ऊपर मेरे पास सिर्फ साइन एक्स रह गया और नीचे क्या रह गया कॉस स्क्वायर एक्स रह गया यहाँ पर ऊपर सिर्फ सिंगल कॉज एक्स रह गया और नीचे क्या गया? आ गया साइन स्क्र एक्स आ गया डी एक्स आ गया ठीक है अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब देखो अब यहाँ पर हम साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स और इसको हम लिख सकते हैं मतलब नीचे वाला जो कॉज एक्स है हम उसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे लिख सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ही इस वाले साइन को इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं तो कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया इन टू वन ओवर साइन एक्स डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा वन अपॉन कॉज एक्स क्या हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास होती है प्लस इसकी इंटीग्रेशन साथ में सेपरेट भी कर लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा हमारे पास कॉट एक्स अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो सो वन अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा को सी एक्स डी एक्स ठीक है अब tan एक्स और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है सीकेंट एक्स ठीक है और cot x और कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 कॉस 2x एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉसक्वायर एक्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx अब cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर क्या है थीटा की जगह पर x है तो cos 2x क्या बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स पहले तो ये फॉर्मूला ही यहाँ पर पुट कर दीजिए ठीक है फॉर्मूला क्यों पुट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि साथ में प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स है जो कि टर्म कैंसिल हो जाएगी तो मेरा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा सो so क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल ये बन गया वन अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स सो वॉट इज़ वन अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स दैट इज सी स्क्वायर स्क्वायेर एक्स और जिसकी इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है दैट इज टैन एक्स सो टेन एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19 तो इंटीग्रेशन करनी है वन अपॉन साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स डी एक्स की अब नीचे देखो साइन एक्स और कॉज एक्स की टर्म्स हैं पर ऊपर जो है वो वन ही है सिर्फ सो so, क्या मैं इस वन को ऐसे लिख सकती हूँ अपनी आइडेंटिटी यूज़ करके क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स जो होता है वो वन होता है तो क्या मैं वन की जगह पर ये लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं तो साइन एक्स और साथ में कॉज क्यूब एक्स डी एक्स आ गया ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिखेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में किया था ठीक है सो so, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रही हूँ कॉज स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और कॉज क्यूब एक्स डी एक्स आ गया ठीक है अब यहाँ पर कैंसिलेशन ध्यान रखना कैंसिलेशन कैसे करनी है देखो एक साइन से एक साइन तो काट रही हूँ यहाँ पर कॉस्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स है कॉस्क्वायर एक्स पूरा ही कट जाएगा बट मैं पूरा नहीं काटूंगी मैं एक ही काटूंगी एक को बचा कर रखूँगी क्योंकि मैं कॉमन ले सकती हूँ बाद में ठीक है बताती हूँ अभी आपको ये देखो यहाँ पर साइन एक्स बचा यहाँ पर नीचे क्या बचा कॉज क्यूब एक्स बचा ठीक है अब यहाँ पर मैं एक कॉज एक्स को काट दिया एक कॉज एक्स को ही रखा सिर्फ तो यहाँ पर साइन एक्स बचा और यहाँ पर कॉज स्क्वायेर एक्स डी एक्स बचा ठीक है आप क्या करो कॉज स्क्वायेयर एक्स जो है वन अपॉन कॉज स्क्वायेर एक्स है वो जो है वो कॉमन ले लो ठीक है जब हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा यहाँ पर साइन एक्स बचेगा नीचे क्या बचेगा मेरे पास कॉज एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पर कॉज क्यूब एक्स था ठीक है तो कॉज एक्स बचा अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में कॉज एक्स बचेगा और नीचे क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर साइन एक्स बचेगा ठीक है और साथ में मेरे पास डी एक्स आ जाएगा ओके अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई कोज स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन काज एक्स क्या होता है मेरे पास टेन एक्स होता है और कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है मेरे पास कॉट एक्स होता है ठीक है सो so, अब यहाँ पर वन बाय को स्क्वायेर एक्स जो है दैट विल बिकम सीकेंड स्क्वायेर एक्स और ये बन गया टैन एक्स और इसको भी मैं वन अपॉन टेन एक्स लिख लेती हूँ अब मेरी जो पूरा जो फंक्शन है वो टैन एक्स और सीकेंड स्क्वायेयर एक्स की टर्म्स में बन गया अब मैं इसके ऊपर लगा सकती हूँ सब्सिट्यूशन मैथड तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी टेन एक्स को टी पुट करूँगी तो टैन एक्स को टी पुट करेंगे सो डी बाई डी एक्स करेंगे टैन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स तो टेन एक्स की डिफ्रेंसीेशन uh, होती है सीकेंड कैंड एक्स इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स सो डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन सीकेंड कैंड एक्स ठीक है अब ये आ गई अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा सीकेंड कैंड एक्स एज इट इज़ रहेगा टेन एक्स को टीम आना था तो टी प्लस वन बाई टी बन गया साथ में डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड square एक्स टर्म कैंसिल हो गई अब यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो t dt कर दिया प्लस वन बाई टी डी टी कर दिया अब t की इंटीग्रेशन होती है टी square बाई टू और वन बाई टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन वापस से t की वैल्यू पुट करो तो t की वैल्यू थी मेरे पास tan x, तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे तो इंटीग्रेशन करनी है कॉज टू एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अब हमें कॉज टू थीटा का एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है डैट इज कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वायेर थीटा है ना अब यहाँ पर है कॉज टू एक्स है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स क्योंकि नीचे मुझे पता लग रहा है कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल है ठीक है सो कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायेर एक्स डिवाइडेड बाय कोज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ठीक है यहाँ पर हो गया उसके बाद हम ऊपर वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम ऊपर वाली टर्म को लिख सकते हैं कॉज एक्स प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कॉज एक्स माइनस साइन एक्स नीचे वाली टर्म को भी हम टू टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स तो एक टर्म एक टर्म से कैंसिल हो गई सो so, हमारे पास बचा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स आप सिंपल सब्सिट्यूशन मेथड लगाना है आप क्या करो कॉज एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट कर लो सो so, डिफ्रेंसीशन करो कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स कॉज एक्स की डिफ्रेंसीशन क्या होती है माइनस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स की डिफ्रेंसीशन कॉज एक्स होती है इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ये हो जाएगा हम इसको कॉज एक्स को पहले लिख लेते हैं कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर वन अब इंटीग्रेशन को कैसे लिखे हो गए इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इसको माना था टी डिनिनेटर वाले को और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ये टर्म ये टर्म के साथ कैंसिल हो गई सो हमारे पास सिंपल बचा वन बाई टी डी टी सो वन बाई टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड ऑफ टी सो वापस से टी की वैल्यू पुट कर दीजिए कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज़ द आंसर नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इंटीग्रेशन करनी है साइन इनवर्स कॉज एक्स डी एक्स की अब बाहर है इनवर्स मतलब साइन इनवर्स तो अंदर भी कुछ साइन बनना चाहिए तब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास सिर्फ़ एक चीज़ सी बचेगी ठीक है अब यहाँ पर हम इसको साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमें पता है कि साइन नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉज थीटा होता है तो क्या थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो बाहर वाला जो है साइन इन वर्स इसको एज इट इज़ रहने दो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन पाए बाय टू माइनस एक्स लिख सकते हैं डी एक्स साइन इन वर्स साइन जो है वो आपस में कैंसिल हो गए सो अंदर सिंपल बचा पाए बाई टू माइनस एक्स डी एक्स क्वेश्चन सिंपल हो गया सो so इंटीग्रेशन करी पाए बाय टू डी एक्स की अलग अलग कर दो एक्स डी एक्स की ठीक है एक्स डी एक्स की पाए बाई टू जो है दिस इज़ अ कॉन्सटेंट इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स सो पाए बाय टू वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज़ द आंसर तो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है तो ध्यान से देखिएगा इसके स्टेप्स काफ़ी स्टेप्स हमें यहाँ पर खुद ही यहाँ पर करने पड़ते हैं तो देखो इंटीग्रेशन है वन अपॉन कॉज ऑफ़ एक्स माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स है ना तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी चीज़ से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तो पहले स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ विध दाइन बी माइनस ए अब कैसे पता चला कि इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है पहली बात तो यहाँ पर कॉज है नीचे तो हम इसके ऑपोजिट मतलब साइन के साथ करने की मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे फिर मुझे कैसे पता चला ये बी माइनस ए के साथ करना है तो इसको यूज़ करना है आपने जो आपके क्वेश्चन में गिवन है तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया मेरे पास बी माइनस ए इसलिए मैंने यहाँ पर बी माइनस ए लिया है पहला क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर साइन ऑफ बी माइनस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्यों किया है सो so, देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया कोई इशू नहीं रहेगा तो कॉज ऑफ एक्स माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स ठीक है ओके अब ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको मैं हम ले लेते हैं बाहर क्योंकि हमारा ये एक कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेगा ठीक है तो साइन ऑफ़ बी माइनस ए हमने ले लिया बाहर सो so इंटीग्रेशन के अंदर आ गया हमारा जो साइन ऑफ बी माइनस ए न्यूमिनेटर में और अंदर हमारे पास आ गया कॉज ऑफ़ एक्स माइनस ए काज ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स अब नेक्स्ट स्टेप भी हमें खुद से देखो करना पड़ेगा नीचे है एक्स माइनस एक्स माइनस बी अब ऊपर सिर्फ बी माइनस ए है एक्स तो है नहीं तो एक्स को हमें लाना पड़ेगा तो लाएंगे कैसे x ऐड कर देंगे और x सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है तो उससे भी कोई इशू नहीं रहेगा देखो b माइनस ये ऑलरेडी है x को ऐड uh, किया और x को सब्ट्रैक्ट कर दिया सो कॉज ऑफ x माइनस ए कॉज ऑफ x माइनस बी ठीक है यहाँ पर हो गए ये दो स्टेप्स हो गए पहले मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया विद बी साइन ऑफ बी माइनस है दूसरे स्टेप में हमने उसमें ऐड कर दिया एक्स और सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्स यहाँ तक ओके अब इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ऑफ बी माइनस ए तो एज इट इज रहेगा इसको मैं x और a को साथ इकट्ठा लिख लूँगी जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर कर लूँगी तो यहाँ पर x और a इकट्ठा लिख लिया यानी कि x माइनस ए हो गया ठीक है फिर बीच में माइनस और x और b इकट्ठा कर, कर लिया मतलब माइनस कॉमन ले लिया x माइनस बी हो गया ठीक है तो ये मैं इस तरह से इसको लिख लूँगी ठीक है और नीचे आ गया मेरे पास कॉज ऑफ़ एक्स माइनस ए और कॉज ऑफ़ एक्स माइनस बी और साथ में डी एक्स ओके अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास साइन ए माइनस बी का तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन ए कोज बी माइनस कॉज ए साइन बी ठीक है अब ये ए और बी है क्या? ए जो है वो ये है एक्स माइनस ए है और बी जो है वो एक्स माइनस बी है क्लियर है तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ तो देखो वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या था साइन ए कॉज बी तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉज ऑफ़ एक्स माइनस बी माइनस कॉज ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी ठीक है ना आपका है ये जो ए कैपिटल ए की जगह पे एक्स माइनस ए है और कैपिटल बी की जगह पे एक्स माइनस बी है तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया ठीक है डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स ठीक है अगर अब मैं डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लिख दूँ तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी अब मैं वही करने जा रही हूँ तो वन अपॉन साइन ऑफ़ बी माइनस ए तो मैं डिनोमिनेटर जो है वो दोनों टर्म्स के नीचे लिखने जा रही हूँ तो कॉज ऑफ़ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एक्स माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी यहाँ पर भी ऐसे करूँगी काज ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स माइनस ए काज ऑफ एक्स माइनस बी इसको करने का फ़ायदा ये स्टेप को यही होता है कि आपकी जो टर्म्स हैं ना काफ़ी कैंसिल हो जाती हैं तो देखो कॉज ऑफ एक्स माइनस बी कॉज ऑफ एक्स माइनस बी कैंसल कॉज ऑफ एक्स माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया है साइन ऑफ बी माइनस ए हो गया साइन अपॉन कॉज क्या हो गया यहाँ पर टैन ऑफ x माइनस ए बन गया और यहाँ पर साइन ऑफ अपॉन कॉज क्या बन गया टैन ऑफ x माइनस बी बन गया डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास tan की इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमें दी होती है प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन हैं हमारे पास तो tan ऑफ x माइनस ए की इंटीग्रेशन क्या होती है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वही हम यहाँ पर प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन जो हैं उनको यूज़ करेंगे सो टेन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ सो दिस इज़ इक्वल टू वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए तो इसकी इंटीग्रेशन पहले हम अलग अलग करके लिख लेते हैं टैन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स ठीक है इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ये जो बाहर वाली चीज़ है वो दोनों के साथ है सो दिस इज़ इक्वल टू वन अपॉन साइन ऑफ़ बी माइनस ए इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी लॉग ऑफ अब x की जगह पर यहाँ पर क्या है x माइनस ए है बस फ़र्क सिर्फ इतना है ठीक है सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉज ऑफ x माइनस ए ठीक है और इसकी क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ़ कॉज ऑफ x माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूंगी अब अगर दो लॉग इकट्ठे हो लॉग m माइनस एन हो तो वो क्या हो जाता है लॉग m अपॉन एन हो जाता है ठीक है तो ये लॉग m है और ये लॉग n है ठीक है तो मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रही हूँ ध्यान से देखिएगा साइन ऑफ b माइनस ए वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए ऐसे आ जाएगा लॉग ऑफ कौन सा वाला ऊपर आएगा ये वाला ऊपर आएगा क्योंकि ये m की तरह एक्ट कर रहा है ठीक है सो कॉज ऑफ x माइनस बी मॉड बंद और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ x माइनस ए ये भी आ जाएगा मॉड के अंदर यहाँ पूरा टोटल मॉड लगा दो आप ऐसे लगा दो ठीक है दो अलग अलग क्या लगाने ऐसे ही लगा दो प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23 तो 23 और 24 हमारे एम हैं तो सिंपल क्वेश्चन हैं देखो इनकी इंटीग्रेशन करनी है हमें अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वेयर एक्स के नीचे मैं पूरा डिनोमिनेटर लिखूंगी क्योंकि मुझे पता है जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो सकती हैं तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपने इसको सेपरेट करके लिख लेना है सो कॉज स्क्र एक्स साइंस स्क्र एक्स इंटू कॉज स्क्र एक्स साथ में डी जरूर लगाना है सो डी एक्स लगा दिया यहाँ पर भी डी एक्स साइंस स्क्वायर एक्स साइंस स्क्वायर एक्स कैंसल को स्क्वायर एक्स कॉ स्क्र एक्स कैंसल सो दिस इज वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है ना सो दिस इज वन बाय साइन स्क्वायर डी एक्स ठीक है अब वन बाई को स्क्वायेर एक्स क्या होता है सीकेंड स्क्वायेयर एक्स होता है जिसके इंटीग्रेशन हमें पता है टेन एक्स होती है को स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी हमें पता है तो सिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स होगी कॉसिकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास माइनस ऑफ कॉट एक्स सो एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी है सो यहाँ पर हम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टैन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर पर चलते हैं ई e की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स कॉज स्क्वेयर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स ठीक है इसकी इंटीग्रेशन करनी है सो सब्सिट्यूशन मेथड से करेंगे हम यहाँ पर सो so, जो ई e की पावर एक्स इंटू एक्स है इसको हम पुट कर लेते हैं टी ठीक है T, सो so, इसकी डिफरेंसीशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स अब देखो ई की पावर एक्स भी एक फंक्शन है एक्स भी एक फंक्शन है तो हम यहाँ पर यू वी रूल लगाएंगे यानी कि अपना प्रोडक्ट रूल जो हम डिफ्रेंसीशन में लगाते थे यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज यही करते थे यही करेंगे हम यहाँ पर भी अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स एज इट इज माइनस सॉरी प्लस d by dx of x into e की पावर x इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ठीक है ना यू वी रूल तो पता ही है आप लोगों को e की पावर x की डिफरेंसीशन e की पावर x ही होती है इंटू एक्स हो गया वन हो गई इसकी डिफरेंसीन e की पावर x इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स सो डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास डी टी अपॉन ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स ठीक है ये आगी डी एक्स की वैल्यू अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वेयर इसको मैंने माना था टी डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स ठीक है अब यहाँ पर देखो इस टर्म में से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ ये सारी टर्म्स तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ ये वाली टर्म की बात कर रही हूँ अगर मैं इसमें से e की पावर x कॉमन ले लूँ सो दिस विल बिकम x प्लस वन ठीक है सो so ये टर्म इस टर्म के साथ देखो कैंसिल हो गई इसलिए मैंने यहाँ पर e की पावर x इंटू एक्स को t पुट किया था सो दिस इज़ वन अपॉन कॉज स्क्वेयर t डी टी सो वन अपॉन कॉज स्क्वायेयर टी क्या होता है secant कैंड t dt, डी टी t टी की इंटीग्रेशन क्या होती है tan t होती है टैन टी प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो टी की जो वैल्यू है वो जो हमने सपोज की थी वो हम यहाँ पर वापस सपोर्ट करेंगे ई e की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो देखो कौन सा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो मैच कर रहा है सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन सो आई होप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंटेग्रल्स ऑम सम पर्टिकुलर फंक्शंस तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू